मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अपनी लिव इन पार्टनर सफीना हुसैन से 54 साल की उम्र में शादी कर ली है। जी हां, हंसल मेहता और सफीना ने कैलिफोर्निया में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। 54 साल के हंसल मेहता और सफीना हुसैन पिछले 17 साल से साथ रह रहे थे। हंसल मेहता और सफीना हुसैन की शादी की तस्वीरें सामने आ गई हैं और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सफीना हुसैन कौन है, जिन पर हंसल मेहता का दिल आया, वो क्या करती हैं। जी हाँ, तो आपके हर सवाल का जवाब हम यहाँ दे रहे हैं। दरअसल सफीना हुसैन मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर यूसुफ हुसैन की बेटी हैं। यूसुफ हुसैन ने दताशकंद फाइल्स, रईस, धूम 2 और OMG ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में काम किया था। साल 2021 में कोविड की वजह से सफीना हुसैन के पिता का निधन हो गया था। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि सफीना हुसैन एक सोशल वर्कर हैं और एजुकेट गर्ल्स नाम के NGO की फाउंडर हैं। वो उसकी बोर्ड मेंबर भी हैं। सफीना का ये NGO देश के ग्रामीण और शिक्षा के रूप से पिछड़े इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए काम करता है। अब तक सफीना हुसैन 9,50,000 से भी ज़्यादा लड़कियों का भविष्य संवार चुकी हैं। बात करें अगर उनकी एजुकेशन की, तो सफीना हुसैन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के पिछड़े समुदायों के साथ काम भी किया। सफीना हुसैन को साल 2011 में एशिया सोसाइटी द्वारा एशिया के 21 यंग लीडर्स में से एक चुना गया। उन्होंने ET प्राइम वुमन लीडरशिप अवार्ड 2019, लॉरियल पेरिस वुमन ऑफ वर्थ अवार्ड, द वॉइस अवार्ड की विजेता और रेनो अर्न होल्ड फेलो जैसे अवार्ड्स भी जीते हैं। सफीना हुसैन का मकसद ऐसी 16 लाख लड़कियों को सशक्त बनाना है जो एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हंसल मेहता और सफीना हुसैन 17 साल से लिव इन में रह रहे थे। उनके दो बच्चे भी हैं। हंसल मेहता की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी सुनीता से हुई थी। उस वक्त हंसल मेहता 20s में थे। सुनीता से उनके दो बेटे हुए, लेकिन कुछ साल बाद हंसल मेहता का पहली पत्नी से तलाक हो गया और वो सफीना हुसैन को डेट करने लगे। सफीना और हंसल मेहता की दो बेटियां हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये दोनों 17 सालों से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इनके रिश्ते को ऑफिशियल मुहर नहीं लगी थी। आज दोनों ने ये भी कर दिखाया। फिल्म मेकर की वेडिंग पिक्चर्स एक अटूट और अनकहे रिश्ते की गवाही दे रही है, जो हर किसी का मन खुश कर रही है। फोटोज शेयर करते हुए हंसल मेहता ने कैप्शन में अपने दिल की बात भी लिखी। उन्होंने लिखा कि 17 साल बाद दो बच्चों के साथ बेटों को बड़े होते देख और अपने सपनों का पीछा करते हुए हमने शादी करने का फैसला किया है। इस लाइन के जरिए हंसल मेहता काफ़ी बड़ी और गहरी बात कह गए हैं। खुशी के मौके पर आगे वो लिखते हैं कि लाइफ में हमेशा की तरह ये भी अचानक और अनप्लान्ड था, पर हमारे वादे सच्चे थे। अंत में वो लिखते हैं कि आखिरकार प्यार सब पर हावी हो ही जाता है। अपनी शादी की तस्वीरों में हंसल मेहता ब्राउन कलर का ब्लेजर और टी शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। वहीं सफीना पिंक कलर के सूट में फैमिली संग पोज देती नजर आ रही हैं। हंसल मेहता के फोटोज शेयर करते ही हर कोई उन्हें बधाई देते नहीं थक रहा है। 25 मई को हुई इस शादी पर उनके दोस्तों ने उन्हें जमकर बधाइयां दी हैं। इसमें विशाल भारद्वाज और अनुभव सिन्हा के अलावा अभिनेता राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी और प्रतीक गांधी समेत कई दूसरी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तो ये थी बड़ी खबर हंसल मेहता और सफीना हुसैन की शादी से जुड़ी हुई। हम दुआ करते हैं ये जोड़ा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे और खुश हो आबाद रहे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक मसकली को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।